जिस तरह धैर्य रिया के साथ यहाँ रह रहा है वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप धैर्य को कहिए ना कि वो रिया को उसके घर छोड़कर आए। अच्छा तो आप अपने बेटे की बंदूक हमारे कंधे पर रखकर चलाना चाहती? जानती हो कि धैर्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानता है, मेरे बात करने से कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन आप समझते क्यों नहीं? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है, इतना भी नहीं जानती रिया? I'm so sorry माँ भी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। अभी बड़े भैया, हम दोनों आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते थे, तो प्लीज आप नुपुर भाभी और उज्जवल भैया को भी बुला लीजिए ना। सर और रिया मैडम को हमने अभी अभी मधु मैडम के कमरे में जाते हुए देखा था। ऐसा कौन सा मसला आन खड़ा हुआ कि इन लोगों ने सुबह सुबह मीटिंग रख ली? हमें लगता है रिया मैडम और धैर्य सर अपनी शादी की बात करने गए हैं मधु मैडम से। शादी? जी, वैसे हमें पता है उन्हें पहले आपसे पूछना चाहिए था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमसे पूछे या ना पूछे, हम तो ये सोचकर परेशान हैं कि रिया इस घर की बहू। आप लोगों को मीरा और धैर्य का ऐसे एक साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है हमने, और वो सलूशन है शादी। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले हमें क्रांति माता से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ तय कर पाएंगे। लेकिन क्यों माँ भी, क्रांति माँ से पूछने की क्या जरूरत है? मतलब मैं और धैर्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्रांति माँ होती कौन है हमारा फैसला लेने वाली? हे क्रांति माता, हमें क्षमा करना। रिया, तुम इस घर की बहू बनने जा रही हो, तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो कि इस घर का हर फैसला क्रांति माँ की सलाह से किया जाता है। तो आप ये कहना चाहती कि अगर क्रांति माँ ने मना कर दिया तो हमारी शादी नहीं होगी? नहीं, नहीं, नहीं। अरे हम काकी के लिए ही बोल, और अगर रिया जी ऐसे चिल्लाएंगी तो शट अप, जस्ट शट अप। माँ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? उसके लिए हम जिंदा हैं अभी। आई नो, लेकिन रिया जी को थोड़ा तो सोचना चाहिए ना, ऐसे बदतमीजियां कर रही हैं ऐसे। संकेत, ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जानते हो किस पर हाथ उठा रहे हो तुम और किसकी वजह से? भाई आपको पता नहीं, ये हमारे घर का नौकर है और हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस करता है। संकेत, इस घर का नौकर नहीं है, हमारे ऑफिस का एम्प्लॉई है, और उस पर आवाज उठाने का हक भी सिर्फ हमारा है, लेकिन हाथ उठाने का हक किसी का नहीं है। देर समझे तुम? जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। अरे तुम संकेत? वो काका, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा, कैसे बताऊं दिल की बात, कैसे बताऊं?